हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फेरोमोन एंड अडेप्टेशन। इसके साथ ही अपना जो आर्थ्रोपोडा का एनिमल है फेरोमोन, इसके अपनी सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा इसका, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आज लाइफ साइकिल की। तो जो लाइफ साइकिल होती है ये इसकी जो तो ये कैसा एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल होता है और इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता। लार्वल स्टेज होती है लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, सीधा ही लार्वा इसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, जिसमें रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो ये जो एनिमल है वो एक्वाटिक एनिमल है। कैसा है, और अपने पिछली क्लास में अपन ने इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्शन के बाद जब भी फीमेल जो होती है ये एग प्रोड्यूस करती है, और एग प्रोड्यूस करने के बाद जो सर्वप्रथम इसका जो ऑफस्प्रिंग के रूप में अपने को न्यूक्लियस प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है इस कंडीशन में, ये होता है न्यूक्लियस। इससे पहले लार्वल स्टेज होती है ये इसकी, जहां से इसके अंदर एंटीना और एंटीन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर अगली कंडीशन के अंदर जब इनमें अडेप्टेशन होते हैं तो एंटीना एंड एंटीन्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और जब पूर्ण रूप से न्यूक्लियस का होता है पास में आता है तो यहाँ पे मेरिसिलिपिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगला जो आपको दिख रहा है ये जो इसकी स्टेप है वो है प्रोटोजोया। इस प्रोटोजोया के अंदर यहाँ पे वॉकिंग लेग का ओरिजिन स्टार्ट हो जाता है और एब्डोमिनल पार्ट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे जो कंडीशन जो दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इसका एब्डोमिनल पार्ट तैयार होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक प्रोड्यूस के बाद लगभग तीन से चार दिन में इसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, और लगभग 15 दिन के बाद यहाँ इसमें से जो लार्वा निकलता है वो इस फेज के अंदर इसमें डेवलप हो चुका होता है। फिर ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करता हुआ इसके अंदर एंटीन्यूल एंटीना एंड मैक्सिलिपिड्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे जो एंटीन्यूल्स होती है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और आगे जाके दो अलग अलग ब्रांच के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो यह तो हो गया इसकी, यहाँ पे अपन को न्यूक्लियस के रूप में इसको प्राप्त हो जाता है, न्यूक्लियस भी डेवलपमेंट करता है प्रोटोजोया, प्रोटोजोया से ये कन्वर्ट होता है जोइया के अंदर, जोइया से ये फिर कन्वर्ट होता है माइसिस के अंदर। माइसिस से कन्वर्ट होगा फिर पोस्ट लार्वल फेज, पोस्ट लार्वल फेज से कन्वर्ट होगा जुवेनाइल फेज के अंदर, और जुवेनाइल फेज से एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है, लार्वल फेज से स्टार्ट होकर एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, जिसमें सबसे पहले एग से जो लार्वा निकलता है वो इस रूप में निकलता है, फिर ये कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस है जो इसका पार्ट होता है वो किस रूप में होता है, प्रोटोजोया में कन्वर्ट होता है सबसे पहले, प्रोटोजोया से जोइया के अंदर, जोइया से माइसिस, और माइसिस से
फर्स्ट लार्वल फेज के अंदर, और फिर यहां से जुनिनाइल और जुनिनाइल से एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले इसका जो आई स्पॉट बनते हैं, आई स्पॉट जो बनते हैं वो प्रोटोजोया स्टेज के आगे जब माइसिस का ओरिजिन होता है, जोया से माइसिस का ओरिजिन होता है, तब इसमें आइसलेट्स बनते हैं। आइसलेट्स के साथ साथ यहां पे इसमें पेलियोपोड का भी उद्भव हो जाता है। पेलियोपोड, पेलियोपोड किसे कहा था, जो एब्डोमिनल पार्ट के अंदर अपन को जो फुट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही थी उसी को अपने क्या कहा था, पेलियोपोड। वही पेलियोपोड का उद्भव होता है जो इसके कोजा पार्ट के पास पर एब्डोमिनल की कोजा में स्टार्ट होता है बनना, और कोजा से फिर कोजा किसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है, आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा एब्डोमिनल पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे इसका लाइफ साइकिल लार्वल फेज के अंदर कन्वर्ट होती है। अब बात करते हैं इसके एडेप्टेशन की, ठीक है। तो एडेप्टेशन अपन पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर जो भी ये सर्वाइवल करने के लिए इसमें कौन कौन से एडेप्टेशन पाए जाते हैं, ये किस प्रकार से लोकोमोशन करता है उसके लिए इसमें कौन से एडेप्टेशन होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए कौन सा एडेप्टेशन है, ठीक है। तो एनवायरमेंट में सर्वाइवल करने के लिए इसके अंदर जो भी ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, वही इसका क्या है, वही सब इसके एडेप्टेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन होते हैं। तो अपन बात करें अगर इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल से ये एक एक से कन्वर्ट होगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, प्रोटोजोया, जिसमें एब्डोमिनल पार्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो इसमें थोरैक्सिक या सिफेलोथोरैक्स पार्ट होता है उसका उसका उद्भव होता है, और उसके अंदर भी सबसे पहले किसका ओरिजिन होता है, उसमें सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है जो होता है एंटीन्यूल और एंटीना, ठीक है। इसके बाद में इसमें अपेंडिजेस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अपेंडिजेस में सबसे पहले जो आता है वो मैक्सिलिपिड फर्स्ट, मैक्सिलिपिड फर्स्ट से फर्स्ट और सेकंड बनती है। सेकंड के बाद में सिर्फ थोरेक्सिक पार्ट के अंदर, थोरेक्सिक पार्ट के अंदर मैक्सिलरी थर्ड बनती है। फिर उसके बाद में जो बनता है वो वॉकिंग लेग का फॉर्मेशन होता है। और वॉकिंग लेग के अंदर जो सबसे पहले वॉकिंग लेग्स बनते हैं वो सिर्फ टू पेयर बनते हैं, फोर पे, फोर पेयर वॉकिंग में वॉकिंग पेयर लेग बनते हैं। उसके बाद में जब ये प्रोटोजोइया से जोइया फेज में पहुंचता है, तो इसमें फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग के साथ साथ इसमें पेलियोपोड का ओरिजिन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उनका जो उनकी जो क्रिएटिविटी है उनका डेवलपमेंट बनना होना स्टार्ट हो जाता है।
पेलियोपोड का। पेलियोपोड जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? एब्डोमिनल के स्टर्नम में, स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो जुड़े हुए होते हैं वो किस मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं? आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में, इसके साथ ही जोया पार्ट में टेल्सन एंड यूरोपोड, इनका भी उद्भव होना स्टार्ट हो जाता है। यूरोपोड और टेल्सन का निर्माण भी हो जाता है। ऐसे करते हुए आगे जाके ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आगे जाके जब ये अगली जो स्टेज होती है वो होती है इसकी माइसिस। माइसिस में जो एब्डोमिनल पेलियोपोड का फॉर्मेशन होने स्टार्ट होता है, ये लगभग इनके अंदर आधे से ज्यादा पेलियोपोड का निर्माण हो जाता है। और जब भी आगे जाके ये जो जब पोस्ट लार्वल स्टेज में आता है, पोस्ट लार्वल स्टेज में इसका टेंशन पार्ट और का निर्माण भी कंप्लीट हो जाता है और यूरोपोड का भी निर्माण हो जाता है। अगले जो स्टेज आती है वो आती है जुनिनाइन। जुनिनाइन स्टेज के अंदर जो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। और ग्रोथ होकर ये एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें लाइफ साइकिल पाई जाती है। और ये एनिमल जो होता है वो एक्वाटिक एनिमल होता है। इसकी जो लाइफ होती है वो किसमें होती है? सिर्फ एक्वा के अंदर ही ये अपनी होल लाइफ को जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के लिए अपन बात करें तो एडेप्टेशन के लिए इसमें अनेक प्रकार के पेरियोपोड्स पाए जाते हैं या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं वो 19 टाइप के अपेंडेजेस पाए होते हैं, जिनमें से अभी अपन उनको क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन से अपेंडेजेस इसमें पाए जाते हैं। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के लिए ये जो एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल को अडेप्टेशन के लिए, यानी कि अपन बात करें अगर ह्यूमन ह्यूमन के कंपैरिजन में बात करें तो ह्यूमन को अडेप्टेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ये सभी एडेप्टेशन और एक हाउस, तो हाउस तो एडेप्टेशन में नहीं आता क्योंकि वैसे भी रह सकते हैं, लेकिन लेक, लेक क्यों? वॉकिंग के लिए। ठीक है, सर्वाइवल के लिए। और क्या चाहिए? ये सभी ह्यूमन को अडेप्टेशन के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि जैसे अपन लेग की बात करें तो वॉकिंग के लिए, हैंड की बात करें तो वर्किंग के लिए, लंग्स की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए। हार्ट की बात करें तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन।
किडनी, स्किन, प्रोटेक्शन, हेयर प्रोटेक्शन, विजुअल स्टिमुल्स, रिसेप्टर के लिए, साउंड रिसेप्टर के लिए, ब्रेन, होल बॉडी कंट्रोल के लिए, माउथ, स्पीक एंड दूसरा फूड, टंग्स स्पीक, टीथ स्पीक एंड फूड, किडनी, एक्सक्रिएशन के लिए। इस प्रकार ह्यूमन का एडेप्टेशन देखे तो ये सभी क्या होगा, इस प्रकार एडेप्टेशन के लिए इन सभी इन चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे ही अपन बात करें पेलीमोन के लिए तो पेलीमोन के अंदर भी इन सभी चीजों का एडेप्टेशन होता है जो इसको सर्वाइवल करने के लिए प्रोटेक्ट करता है या सर्वाइवल करने के लिए इसको फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है। बात करते हैं पहली मोड के एडेप्टेशन के लिए सबसे पहले अपेंडिजेस की। अपेंडिजेस फॉर पेलीमोन के लिए मैंने शुरू में जो स्टार्टिंग में जब अपन पेलीमोन स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि इसके अंदर 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं। कितने? 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस, ठीक है। अब ये पेयर किस किस में काम में आते हैं, कहाँ कहाँ इनका इनको क्लासिफाई कर रखा है वो अपन बात करते हैं कि कैसे इनको क्लासिफाई कर रखा है। पहला है एंटीन्यूड, दूसरा एंटीना, वन पे, मेजली, टू पे। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। थ्री पेयर होते हैं। कितने हुए? 5 और 2, 7। नहीं, 3 नहीं होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये आंसर मैक्सिलरी, 3 पेयर और 3 पेयर मैक्सिलरी, ठीक है। फिर आता है वॉकिंग लेग, याद है 5 पेयर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। सही है,
एक मिनट कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को, इसमें इन दोनों में कंफ्यूजन है ये, ठीक है। एंटीन्यूल वन पेयर होता है, एंटीना वन पेयर होता है, मैक्सिले और मैक्सिलिपिड जो होते हैं इनके पैर अभी कंफर्म करके बताता हूँ मैं, फाइव वॉकिंग लेग होते हैं और सिक्स जो होते हैं एब्डोमिनल पेरियोपोड, ये होते हैं सिक्स पेयर। वन पेयर होता है यूरोपोड, ठीक है। तो वन टू इन दोनों का कंफर्म करेंगे, फाइव और ये तो हुए इलेवन, ठीक है। और टू ये अपने पास कितने हो गए, थर्टीन पेयर तो हो गए। और ये एक है फोर्टीन पेयर। अब बात कर रहे हैं अपने अपने पास जो पांच फाइव पेयर बच रहे हैं वो इन दोनों में है, तो वो मैं अभी आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कौन कौन से ये पेयर है, ठीक है। हाँ, तो मैं कंफर्म किया हूँ, कंफर्म करने पे ये पता चला मेरे को कि यहाँ पे जो है ये मैक्सिलिपिड और अलग अलग होते हैं, ठीक है। जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था तब उस टाइम पे तो मैंने अलग अलग बता दिया, लेकिन अभी ये थोड़ा माइंड से निकल गया। तो वन पेयर तो होता है एंटीन्यूल वन, और सेकेंड पेयर होता है वो होता है एंटीना का, और थर्ड जो पेयर होता है वो होता है मैंडिबल। मैंडिबल का होता है वो भी वन पेयर होता है, ठीक है। और टू पेयर होता है वो होता है मैक्सिलिपिड। मैक्सिलिपिड में एक तो होता है मैक्सुला और एक होती है मैक्सुले, ठीक है। मैक्सिला सेकेंड होती है मैक्सिले, ये भी वन पे है, ये भी वन पे है, ठीक है। अपने पास कितने हो गए अभी तक, फाइव पेयर हो गए ना, वन टू थ्री फोर फाइव। यानी कि अब जब अपन सिफेलोथोरिक्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि ये 13 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, कितने 13 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें जो सिपेला पार्ट है, सिपेलिक पार्ट है, इसमें फाइव पेयर होते हैं। तो ये जो फाइव पेयर होते हैं, ये सिर्फ बात यहां तक है कि फर्स्ट जो है वो वन पेयर एंटीन्यूल की होती है, सेकंड वन पेयर एंटीना का, और थर्ड जो है वो मैंडिबल का वन पेयर। ये मैंडिबल जो है ये माउथ के चारों ओर सराउंडिंग रहता है, ठीक है। ये मैक्सिले फर्स्ट और ये सेकंड मैक्सिले, फर्स्ट मैक्सिला सेकंड मैक्सिले और थर्ड जो होता है, यानी कि ये तो हो गया सिपेलिक, सिपेलिक पार्ट में। अब जो आएगा वो आएगा थोरेसिक पार्ट के अंदर, थोरेसिक पार्ट के अंदर एट पैर पाए जाते हैं, कितने आठ पैर। इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैक्सिले पाई जाती है, जिनको मैक्सिलिपिड कहा जाता है। साथ में फाइव पेयर ऑफ वॉकिंग लेग, यहां तक हो गया अपना सिफेलोथोरिक्स, ठीक है।
सिफेलोथोरिक्स के बाद में आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन में फाइव पे पेरियोपोड, वन पे है यूरोपोड, ये कितने हो गए सिक्स पे है। इस प्रकार से जो 19 सेगमेंट 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस पाए जाते हैं, ठीक है, 90 पेयर ऑफ अपेंडिजेस, जिनमें से 13 अपेंडिजेस तो किसमें होते हैं सिफेलोथोरिक्स पार्ट में होते हैं और 6 पेयर होते हैं एब्डोमेन पार्ट के अंदर। टोटल कितने हो गए 19 सेगमेंट। अब देखो ये जो एंटीन्यूल है ये आई स्लिट्स जो होती है वहां पे होता है, एंटीना जो होता है वो होता है आई, ये भी आई स्लिट से निकलता है और इसका जो मेन वर्क जो होता है वो ये होता है कि ये स्मेल्स को स्मेल को आइडेंटिफाई करता है कि, ठीक है, मेटलिपिड्स ये माउथ के चारों तरफ सराउंडिंग में रहता है और ये माउथ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैक्सिले जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको होल्ड करके रखने का काम करता है और ये सेकंड मैक्सिले जो होती है ये सेकंड ब्रेन ऑफ पेलिमोन कहलाता है जो क्या करता है फूड को होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये मैक्सिलिपिड्स जो होती है ये इसके सिफेलोथोरिक्स पार्ट के थोरेक्सिक पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही जो हर्ब्स होती है या पेड़ पौधे जो होते हैं उनपे इसको फ्लोटिंग करने के लिए पार्टिसिपेट करती है। वॉकिंग लेग ये इसको लोकोमोशन में या वॉकिंग वे के अंदर रॉकी सरफेस के ऊपर चलने में अडेप्टेशन का काम करते हैं। फाइव पेयर पेलियोपोड है ये स्विमिंग का काम करते हैं, किसका काम करते हैं स्विमिंग का वर्क करते हैं। और यूरोपोड जो होता है ये टेंशन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसमें अपेंडिजेस का जो अडेप्टेशन जो अरेंजमेंट होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपसे कि एंटीन्यूल्स क्या होता है और ये कौन सा पेयर ऑफ अपेंडिजेस होता है, एंटीना का कौन सा होता है और कितने पेयर होते हैं, मैक्सिलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिलिपिड ये जो होते हैं ये दोनों ये टू से थर्ड सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिलिपिड थर्ड तीसरे सेगमेंट में, मैंडिबल्स तीसरे और पांचवे, क्योंकि जो तीसरा और चौथा चौथा जो सेगमेंट है वहां पे किसी भी प्रकार का अपेंडिज नहीं पाया जाता, वहां पे जो ओरिजिन होता है वो माउथ का ओरिजिन होता है। मैक्सिला और मैक्सिला है वो सिक्स्थ और सेवंथ में होती है, बाकी जो बच गए अपने पीछे के पार्ट वहां पे ये संयुक्त रूप से प्रेजेंट होते हैं, वॉकिंग लेग्स और मैक्सिलिपिड्स जो होते हैं वो सेवंथ एट और नाइन्थ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बाकी सेवंथ एट और नाइन्थ, ठीक है, और बाकी जो अपने वॉकिंग लेग्स होते हैं वो 10, 11, 12 और 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में पास पास होते हैं, ऐसे जॉइंटेड होते हैं, ठीक है। वॉकिंग लेग्स जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं जिनमें ये पांचों सेगमेंट पांचों वॉकिंग लेग्स आपस में 13 सेगमेंट तक कंप्लीट हो जाते हैं और 14 सेगमेंट से अपेंडिजेस स्टार्ट होते हैं, एब्डोमेन पार्ट स्टार्ट होता है जहां से यूरोपोड स्टार्ट पेलियोपोड स्टार्ट होता है और कहां तक होता है सिक्स पेयर ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। सिक्स पेयर ऑफ एब्डोमेन के बाद में जो टेंशन पार्ट होता है और जो सिक्स्थ सेगमेंट होता है उसके पीछे वाले हिस्से से यहां से ये यूरोपोड और यहां सॉरी टेंशन और यहां से यूरोपोड विकसित होता है। जो एक सिक्स्थ सेगमेंट में दो पेरियोपोड पाए जाते हैं, एक तो यूरोपोड के रूप में और एक पेरियोपोड होता है, ठीक है, यहां पे पेरियोपोड होता है और ये होता है यूरोपोड के लिए एक ब्रांच निकलती है, शाखा निकलती है जिससे दोनों जो दोनों पेलियोपोड होते हैं वो एक ही ब्रांच पे प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर अपन सर्कुलेशन के लिए एडेप्टेशन देखते हैं तो हीमोसाइनिन जो अपने हीमोग्लोबिन होता है उसकी जगह इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है ब्लू कलर का रंग होता है ब्लड का। रेस्पिरेशन के लिए बुक लंग पाई जाती है,
जिनको ब्रांचियल लंग्स भी कहते हैं, साथ ही गिल प्लेट भी कहते हैं, सॉरी ब्रांचियल गिल, बुक गिल। गिल प्लेट जो छोटे छोटे चैम्बर में जो बने हुए होते हैं, अर्धचंद्राकार आकार लिए हुए होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए इसमें ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। सर्कुलेशन के लिए जो हार्ट होता है वो तीन क्वार्टर का बना हुआ होता है, जिसमें एक आलिंद और दो नीले होते हैं। आर्टरीज पाई जाती है, सिराय इसमें एब्सेंट होती है, सिराओं की जगह इसमें ब्लड सिनस या ब्लड क्वार्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का इसमें एडेप्टेशन होता है। साथ ही इसका जो ये रिप्रोडक्टिव के बेस पे देखते हैं तो रिप्रोडक्शन के बेस पे ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ये यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल के अंदर इसमें जो मॉर्फोलॉजी है, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इनमें आइडेंटिफिकेशन करना चाहे तो जो मेल होता है वो सेम एज में बड़ा होता है फीमेल की कंपैरिजन में, और फीमेल छोटी होती है सेम एज में, ठीक है। जब अपन बात करें कि किसी 6 मंथ के मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो आकार में बड़ा होगा मेल, और जो जेनिटाइल जो रिप्रोडक्टिव जेनिटाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस के बेस पे भी इनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिनका मोस्ट और पोजिशन जो होती है वो फीमेल के अंदर तो 3rd pair ऑफ वॉकिंग लेग होती है, और मेल के अंदर 5th pair ऑफ वॉकिंग लेग के कोजा पार्ट के अंदर आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैप स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस प्रकार से इसका एडेप्टेशन कंप्लीट हो चुका है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही पेलिमोन या आर्थ्रोपोडा का पेलिमोन एनिमल अपन पूरा स्टडी कर चुके हैं। इसके अबाउट मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अब अगर आप आगे बात करते हैं कि जो भी आपके टेस्ट वगैरह जो दिए जा रहे हैं उनको आप दोगे, और उसका PDF किसी भी प्रकार से 1 स्टूडेंट सभी के PDF अपने मोबाइल में लेगा, कॉलेज में या तो कॉलेज में सेंड करेगा, कॉलेज में जिसके भी कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसे कि अनिल जी सर है या राजेंद्र जी सर है, किसी भी सर के आपके कॉन्टेक्ट नंबर है उनको PDF सेंड करोगे तो वो सर या तो मेरे को कर दोगे, या जैसे कि अपन बात करते हैं कैलाश या नितेश, इन दोनों स्टूडेंट्स के पास मेरे मोबाइल नंबर है और इन दोनों के मोबाइल नंबर मेरे पास है। तो आप सभी जो है वो अपने जो भी टेस्ट सीरीज जो आएगी, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उनका PDF के अंदर आंसर दोगे। PDF के मतलब जैसे कि जो क्वेश्चन आपको 20 या 25 जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका आंसर देके आपको उनकी फोटो PDF के अंदर बनानी है, और PDF इन दोनों को सेंड कर देंगे विद नाम, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम होगा, फिर क्लास, ठीक है, और रोल नंबर में आपके SR नंबर डालना है, ठीक है, और साथ में क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है उनको आंसर देके आपको सेंड कर देना है। ये दोनों बच्चे मेरे पास सेंड कर देंगे, मैं उनको देख लूंगा और आपको PDF के रूप में ही उनके आंसर, उनके जो मार्किंग दे रखी है, जैसे कि अपन बात करें कि 20 क्वेश्चन है तो उनकी मार्किंग भी 20 नंबर की है, तो आपको 20 में से 20 कितने नंबर मिले हैं वो आपको PDF के रूप में आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगली क्लास की, कि अगली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में अपन वही किसी दूसरे एनिमल या जैसे कि आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे, अब अगला एनिमल जो होगा वो होगा अपना एनिलिडा का। एनिलिडा के अंदर अपन आर्थ्रोपोडा में स्टार्ट कर रहे हैं। एनिलिडा के अंदर अपन आर्थ्रोपोडा में स्टार्ट करेंगे, इसका भी वही अपन सब कुछ देखेंगे, हैबिट
एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के अंदर लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम के बाद में आएगा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद में जो आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद में लाइफ साइकिल, एंड अडेप्टेशन। ये सभी अपन इस क्लास के नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन स्टार्ट करेंगे तो उसमें एनिडा का अर्थ वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले अपन जो देखेंगे वो हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। तो हैबिट एंड हैबिटेट की अपन जनरली बात करें तो हैबिट एंड हैबिटेट जो अर्थवर्म का होता है, तो अर्थवर्म कहां पाया जाता है? मिट्टी के अंदर। कहां पाया जाता है? सोयल में, ठीक है। सोयल कैसी होती है? मॉइस्चर जो नमी युक्त सोयल होती है, जहां पे ये जनरली अपन को देखने को मिलता है, और इसको रेड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका जनरली अपन लोकल शब्द कहते हैं वो रेड वर्म भी कहते हैं। रेड वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेड कलर के, या इसकी जो स्किन होती है वो पारदर्शी होती है, जिसमें इसका जो अंदर का जो सिस्टम होता है वो अपन को अंदर जो इसके सोइल होती है वो अपन को दिखाई देती है, और उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। इसलिए जो ये वर्मी होते हैं ये रेड कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको रेड वर्मी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो अर्थवर्म की स्टार्ट करेंगे। इसका जो अडेप्टेशन होता है ये सोइल के अंदर पाया जाता है। सोइल में अपन सबसे पहले भारत की बात करें, इंडिया के अंदर, तो इंडिया में लगभग राजस्थान के रेगिस्तान वाले जैसलमेर को छोड़कर सभी जगह पे इसकी इनको कल्चर किया जाता है। और कल्चर करने का जो मेन पर्पज या जो मेन इनका एम होता है वो ये होता है कि ये वर्मी कंपोस्ट उर्वरक के रूप में खाद प्राप्त करवाता है, जो बहुत अत्यधिक उर्वरक क्षमता रखती है, और इसको खेतों में डालने पे बहुत ज्यादा उर्वरता भूमि की बढ़ जाती है, अच्छी इसकी इसके कारण फसल होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका कल्चर भी किया जाता है। और पहले अपन जो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी अलग अलग स्पीसीज होती है। अगर अपन बात करें कल्चरेबल स्पीसीज के लिए, तो कल्चरेबल स्पीसीज अपन बीएससी थर्ड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इसका, यहाँ पे इसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह या इसमें जो सिस्टम पाया जाता है वो इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसका अडेप्टेशन यानी कि ये जीवित रहने के लिए क्या एनवायरनमेंट से किस प्रकार से अडेप्टिव होते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इसको अडेप्टिव बनाते हैं एनवायरनमेंट में सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। तो अपन ये जो अपना पेपर ही है वो क्या स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और ये फंक्शन किस प्रकार से करता है, यही सब इसमें कुछ पढ़ते हैं। इसमें अपन ये नहीं पढ़ते कि इसका कल्चर क्यों किया जाता है, कैसे क्या इसके कल्चर के बेनिफिशियल एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसका जो टॉपिक होगा वो होगा हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ अर्थ वो, ठीक है। तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ना, और बाकी सब मैं पढ़ाऊंगा ही कि कैसे क्या इसका हैबिटेट एंड हैबिटेट होता है।
तो अपन जब भी अब आगे जो मिलेंगे वो नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और इससे सबसे ज्यादा जो अभी भी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने जो पिछली क्लास में तो बताया था कि तुम क्लास ले रहे हो, लेकिन बताने के बाद में भी अभी भी तुम यानी कि जो स्टूडेंट हो लगभग तुम 20 या 22 बच्चे हो, अभी भी सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 बच्चे क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो अटेंडेंस होगी वो भी आपकी क्लास के बेस पे होगी कि आपने कितने बच्चों ने क्लास लिए, या तो आप 100 to 100 लोगे यानी कि टोटल 22 बच्चे लोगे तो आपकी अटेंडेंस फुल होगी, ठीक है। तो जैसे कि आज अभी जो लास्ट क्लास चली है उसका अगर आप मान लें कि जैसे जो लास्ट क्लास जितनी तारीख को डली है, जैसे अपन बात कहें कि 10 तारीख को कोई क्लास या कोई लेक्चर डला है और आप 10 या 11, ठीक है, 10 या 11 को जो क्लास डली है सिर्फ आपको 10 या 11 तक उसको पढ़ना ही है। अगर 11 तक आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो 12 को पढ़ रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट मानी जाएगी, आप उसको फिर आपकी अटेंडेंस 10 या 11 की नहीं होगी। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ना उसी वक्त है जिस बाद में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे क्योंकि बाद में तो आपको बहुत जरूरी है, लेकिन उसको साथ साथ पढ़ते जाओ, पढ़ते रहोगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। और दूसरी बात, आपको उसी वक्त सब पता चल जाएगा कि जब कंटिन्यू क्लास लेते रहोगे, जिसमें जैसे अपन क्लास 9th लिए, 9th के बाद में 10th क्लास नहीं ली और सीधी 11th क्लास को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपनी इसके अंदर जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, और यहाँ नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया। तो आपने नर्वस सिस्टम के और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में नर्वस सिस्टम जो स्टार्ट हुआ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो स्टार्ट हुआ उसका मैटर आप यहाँ छोड़ दोगे। इसलिए आपको पर डे जब भी क्लास लेक्चर डलता है उसको उसी वक्त कंप्लीट कीजिए और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए। और इसको जैसे कि यहाँ पे जो क्लास चलती है उसको कंफर्म कीजिए कि हाँ मेरे को ये सब कुछ आ गया और इसमें से ये टॉपिक नहीं आ रहा उसको हाईलाइट कीजिए। जो भी टॉपिक नहीं आ रहा, जैसे कि नर्वस सिस्टम के अंदर आप जब पढ़ रहे थे तो उसमें अपने एब्डोमिनल नर्वस सिस्टम के अंदर एब्डोमिनल गैंग्लियन के बारे में पढ़ा था, तो आपको अगर एब्डोमिनल गैंग्लियन समझ में नहीं आ रहा तो उसके बारे में पूछिए कि क्या नहीं आ रहा, उसको आप रेड मार्क कीजिए और रेड मार्क करके उसका क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाकर जो आपको समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को हम जब तक मेरे तक नहीं पहुंचाओगे तब तक उसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कि आपको कौन सी जगह कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब तक अपनी प्रॉब्लम मेरे को शेयर नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम क्लियर कैसे कर सकूंगा, इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे तक शेयर करें और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी जितनी भी कोशिश होगी 100 to 100 देने की कोशिश करूंगा मेरा, ठीक है।